दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन के स्पीकर को यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के स्पीकर से। जी हाँ, आप अब इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन के स्पीकर को एज़ कंप्यूटर स्पीकर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डेस्कटॉप होता है उसका या तो स्पीकर ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास जो है स्पीकर कनेक्टेड नहीं है मेरे कंप्यूटर में, तो उस केस में मैं अपने फ़ोन के स्पीकर को यूज़ करूँगा एज ए स्पीकर। ये कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है यूज़ करना। जैसे कि आजकल हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है और हमारे पास साउंड सिस्टम नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि कैसे बजेगा। तो दोस्तों, मस्त तो आप लोगों को साउंड कर ही रहा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं ये ट्रिक कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दोस्तों, उसके लिए आपको खोलना है गूगल, और गूगल पे खोल के आपको एक वेबसाइट खोलनी है बेसिकली साउंड वायर की। और साउंड वायर आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। साउंड वायर डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये वाला लिंक मिलेगा, ये अप टू डाउन वाला लिंक है, और इसमें आप लेटेस्ट वर्जन उसका डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये फ्री वेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई डेटा चोरी नहीं है, तो आप इसको इजीली सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर। दोस्तों, बड़ा ही बेसिक सा प्रोसेस है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों, हमें उसको इंस्टॉल करना होगा। तो एक जो exe फाइल जो आपकी डाउनलोड हुई होगी, अपने को वो exe फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे, उसके आगे आपको एक काम और करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि वो आप नहीं करते हो तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस कैसे लेके आऊँगा। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि आपकी वीडियो पसंद आ रही है, आपके काम आ रही है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और सब्सक्राइब तो करना है ही है आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बड़ा ही इजी और सरल तरीका है इसको इंस्टॉल करने का, इसमें कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स आपके लगने वाले हैं नहीं। दोस्तों, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जहाँ पर आपको IP एड्रेस मिल रहा होगा। ठीक है, और नीचे आ रहा होगा डिसकनेक्टेड स्टेटस फॉर फर्स्ट टाइम। दोस्तों, इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने जिस नेटवर्क से अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट कर रखा है, उसी नेटवर्क से आपको अपने फ़ोन को भी कनेक्ट करके रखना होगा। अगर आपके पास ऐसा सेटअप नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का वाईफाई हॉटस्पॉट बना लेना है, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको अपने मोबाइल के अंदर साउंड वायर नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। दोस्तों, चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं, हमारे फ़ोन में ये होगी इंस्टॉल। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सामने सर्वर लिखा हुआ आ रहा है और कनेक्ट बटन का ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों, आपको सर्वर, आपको याद होगा कि हमने डेस्कटॉप के अंदर भी एक IP एड्रेस देखा था, हमें वही IP एड्रेस यहाँ पे डालना है, और उसके आगे जो कनेक्ट बटन है हमें वो दबाना है। दोस्तों, फटाफट से यहाँ पर एक बार IP एड्रेस डाल देते हैं, और जिसका दोस्तों नहीं हो पा रहा है वो भगवान से दुआ करे और साथ में मेरी वीडियो को लाइक करे ताकि आपका ये हो जाए। अगर कुछ भी इशू आता है तो, वैसे मैं बताया तो आपको, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी क्वेरी, आपके कंसर्न्स, वो मैं आपके सॉल्व करवा पाऊँगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब कनेक्टेड लिखा हुआ आ चुका है आपके कंप्यूटर के अंदर भी, और आपकी वॉल्यूम वहाँ पे टोटली अप है। तो अब आप इजीली इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के साथ, और अभी आप इसको डेमो में देख सकते हैं।